हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको रोमपा की लास्ट पार्ट बताने जा रही हूँ। इसमें बटन पट्टी किस तरह से बनाते हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस तरह से हम इसको, जहाँ से हमने सिला था इसके लेग, वहाँ से ये पूरा बटन पट्टी के लिए जो छोड़ा हुआ है उसको हम इस तरह से फंदे उठा लेंगे। यहाँ पे फंदे उठाते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि इसको ना ही ज़्यादा लूज़ रखना है और ना ही ज़्यादा टाइट रखना है। आराम से जितने फंदे उठाए जाएंगे उतने ही हमको यहाँ से लेने हैं। इस तरह से इसको ना ही ज़्यादा इस तरह से स्ट्रेच करेंगे और ना ही ढीला छोड़ेंगे। इस तरह से हमने सारे फंदे जो है वो पकड़ लिए हैं। अब हम इस सारी नीडल्स को आगे कर लेंगे ताकि जब हम कैरेज को चलाएँ तो हमारी मशीन अटके नहीं, और इसमें वेट और हुक लगा लेंगे। और कैरेज को आप अपने धागे के हिसाब से सेट कर लेंगे। अगर धागा पतला है तो उसको कम नंबर पे, और मोटा है थोड़ा ज़्यादा नंबर पे सेट कर लेंगे। जैसे मेरी ये बर्डमान की ब्राइलोन वूल है तो इसको मैं 5 या 6 नंबर पे सेट करेंगे। अभी मैं 6 नंबर पे सेट कर रही हूँ उसको। इस तरह से हमने इसको 6 नंबर पे सेट कर लिया है। अब हम इसमें 10 सिलाइयाँ लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 सिलाइयाँ लगाने के बाद हम इसको कैरेज को 8 नंबर पे सेट कर लेंगे और एक सिलाई लगाएंगे, लास्ट सिलाई। इस तरह से 10 सिलाइयाँ हमने लगा ली है। अब हम इसमें फंदे पलटेंगे तो उसके लिए हम 3-3 वाला डिवाइडर लेंगे इस तरह से, और एक एक नीडल आगे कर लेंगे और जो 3 नीडल है वो पीछे। जो नीडल हमने आगे की है उसको हम पलट के बना लेंगे। वेट और हुक को हटा लेंगे और इस तरह से बीच में से इस फंदे को, और जैसे हमने 10 रोज़ बनाई है तो 8 रोज़ तक हम इसको खोल लेंगे और फिर इस तरह से एक एक करके बना लेंगे। और अगर आप कार्ड वाली मशीन को चलाना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे दूसरे चैनल रुद्रा क्रिएशन को सब्सक्राइब कर सकती हैं। उसका लिंक मैं आपको सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस तरह से आप इस रोम्प को कार्ड वाली मशीन में भी इजीली बना सकते हैं। इसी तरह से हम ये सारा बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये हमारी स्ट्रिप जो है वो तैयार हो गई है। अब हम सारी नीडल्स को जो है, फंदे जो है वो बंद कर देंगे। तो उसके लिए इस तरह से हम एक एक करके सारी नीडल्स बंद कर लेंगे और हमारी जो बटन स्ट्रिप है वो तैयार हो जाएगी। इसको फिर मैं पूरा करके दिखाती हूँ। इस तरह से ये हमारा जो है कंप्लीट हो गई है बटन पट्टी। दूसरे साइड से भी हम इसी तरह से बना लेंगे। इसमें हमें बटन होल भी बनाने हैं तो पहले हम इसी तरह से इसको लगा लेते हैं, पहले एक एक करके। इन दोनों, जैसे हमने जो पहली बटन पट्टी बनाई थी उसमें जितने फंदे उठाए थे उतने ही हम इसमें भी उठाएंगे, और इसी तरह से इसको हम बना लेंगे। इस तरह से हमने ये पूरा फंदे जो है वो उठा लिया। अब इसमें वेट और हुक लगा लेती हूँ
और जो सारे नीडल्स हैं उनको आगे कर लेंगे ताकि जो हमारा कैरेज है वो चलाते टाइम अटके नहीं। और कैरेज को फिर से हम 6 नंबर पे सेट कर लेंगे। और जैसे हमें 10 सिलाइयाँ लगाई थी तो इसमें हम 5 सिलाइयाँ ही लगाएंगे पहले। 1 1 2 3 4 5 इस तरह से 5 सिलाइयाँ लगाने के बाद हम पहले जो सिंगल नीडल आगे की थी वो आगे कर लेंगे ताकि जब हम इनको पलटने के लिए नीडल्स आगे करें तो वो हमारे बटन होल में ना आए। तो जैसे 1st 3 को छोड़ के हम 2nd 3 में हमने बटन होल बना लिए, बीच में 3 फंदे छोड़ 3 3 का गैप देंगे जो 3 3 के फंदे। इस तरह से हमें ये ध्यान रखना जो अब नीडल आगे की हुई है उसमें नहीं बटन होल नहीं बनाएंगे क्योंकि उसको हमें पलट के बनाना होता है। तो इस तरह से अब जो खाली नीडल की उनको भी हमने आगे कर लिया, हमें बटन होल जो बीच में 3 फंदे उनके बीच में बनाना होता है। और फिर से हम 4 सिलाइयाँ लगाएंगे और अब 10 8 पे कैरेज को सेट करेंगे और 1 सिलाई लगाएंगे। इस तरह से ये हमारी जो बटन पट्टी की जो पूरी जितनी रोज़ हमें चाहिए थी वो हमने लगा लिया है। और इस तरह से हमने नीडल्स को आगे कर लिया। अब वेट और हुक हटा लेंगे और जो नीडल्स आगे की हुई है उनको हम पलट के बना लेंगे। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से 8 रोज जो है हमने 10 बनाई हुई है तो 8 तक हम इसको निकाल लेंगे और फिर इसी तरह से इसको हम बना के कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से हम इसको पूरा कर लेंगे और फिर पूरा करने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको। अब हम कुछ नीडल्स आगे करने के बाद फिर एक एक करके हम नीडल जो है वो बंद कर लेंगे। इसी तरह से हम पूरा इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से हमारे ये जो बटन स्ट्रिप है वो कंप्लीट हो गई है दोनों स्ट्रिप। अब इसको हम यहाँ से सिल लेंगे। पहले इसको उल्टी साइड से कर लेंगे हम उल्टी साइड। इस तरह से पहले हम इसमें जो का जिसमें बटन होल बनाए हुए हैं उस स्ट्रिप को हम नीचे रखेंगे इस तरह से, और जिसमें नहीं बनाया उसको ऊपर रखेंगे। और इसको इस तरह से हम सिल के जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। पहले आप इस तरह से भी कर सकते हो, पहले जो बटन होल वाली स्ट्रिप है पहले उसको सिल लेंगे हम इस तरह से। इस तरह से हमने जो बटन होल वाली स्ट्रिप है उसको हमने सिल लिया है। अब जो दूसरी स्ट्रिप है उसको भी इसी तरह से सिल के हम बंद कर लेंगे। इस तरह से अब मैं इसको राइट साइड से दिखाती हूँ। इस तरह से ये हमारा जो बेबी रोम्पर है वो तैयार हो गया है। अब हम इसको इसमें बटन लगा लेंगे और हमारा बेबी रोम्पर रेडी। इस तरह से मैंने इसको बटन लगा के कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।